हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखिए कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्रिटी सी जो है वो पोशाक बनाना सीखेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस है फ्रेंड्स, और बहुत सिर्फ हमने नेट से बनाई है। इसमें मलाई डोरी लगाई है और एक ये लेस लगाई है, और ये देखिए कोई लाइनिंग का हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। और ये वॉशेबल है, आप इसको ईजिली वॉश भी कर सकते हो उस ड्रेस को, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई लाइनिंग या कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये आप इसको 4 नंबर और 5 नंबर के कान्हा जी को इजीली वेयर करा सकते हैं। और अगर आपको ये ऑल साइजेस में बनानी है, तो इसमें जो मैंने नेट की लेंथ है वो 41 से 42 इंचज ली थी, ये वाली रेड वाली जो नेट है। तो अगर ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, जो मेजरमेंट मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी 4 और 5 के लिए, तो मैं आपको बाकी के लिए बता देती हूँ। जैसे कि आपको ये बनाना है 1 या 2 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो ये जो हमने 41 ली थी, तो इसको आप 30 इंच ले लीजिएगा 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए रेड नेट। और जितनी आप ये लेते हो उसकी येल्लो जो है वो उसकी डबल ले लेना। जैसे 30 लेते हो तो ये 60, तो आप 2 पट्टियाँ भी ले सकते हो, बीच में जोड़ सकते हो उसको येल्लो, यानी कि जो हम जितना ये लेंगे उसकी डबल हमें ये येल्लो वाला लेना है। तो 1 और 2 नंबर के लिए 30 ले लीजिएगा, और 3 नंबर के लिए आप 35 इंच ले लीजिएगा, और ये 70 इंच ले लीजिएगा येल्लो। तो ये तो हो गई हमारे 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। 4 और 5 का मेजरमेंट मैंने वीडियो में बताया है। और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए जैसे हमने 42 लिया है, तो आप 5 इंच ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। तो जैसे 42 लिया था, तो आप 47 या 50 ले लीजिएगा, क्योंकि फिर फ्रिल उतनी ही ज़्यादा आ जाएंगी, और ये आपको येल्लो उसका डबल करते जाना है। तो ऐसे ही जैसे जैसे कान्हा जी का नंबर बढ़ेगा, तो आप 5-5 या 7-7 इंच जो है ये एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कि आपको लॉन्ग में बनानी है या शॉर्ट में बनानी है। तो ये मैंने इधर जो है 4 इंच की पट्टी ली थी, जिसको हमने डबल, सॉरी 4.5 की ली थी, जिसको हमने डबल कर दिया था। तो ये 2.25 इंच, ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमें कैसे लेनी है। लंबाई मैंने आपको बता दी है, चौड़ाई आप क्या कीजिएगा कि आप जैसे अगर आपके कान्हा जी का नंबर कम हो रहा है, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए तो मैंने बताया ही है, 3 नंबर के लिए आप 1/2 इंच कम कर दीजिएगा, 1 और 2 नंबर के लिए 1 इंच कम कर दीजिएगा। तो ऐसे ही जब आपका नंबर बढ़ेगा, तो 1-1 इंच इसकी चौड़ाई बढ़ाते जाइएगा, और इसकी येल्लो वाली की भी। तो इस तरह आप इसको किसी भी साइज में इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसमें से जो मटेरियल फ्रेंड्स, मैं ड्रेसेस ये ऐसे बनी हुई ड्रेसेस सेल नहीं करती हूँ, बेसिस आपको मिल जाएंगे, जो नेट के बेसिस होते हैं वो मैं सेल करती हूँ, तो आप वो मुझसे परचेज कर सकते हैं, नेट परचेज कर सकते हैं। और जितना भी रॉ मटेरियल होता है, बूटीज़ वगैरह, वो सब आपको, फ्लावर्स वगैरह सब मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगी, कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट करके मुझसे मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है अपनी रेड नेट, ये देखिए। तो मैंने इसमें इस ड्रेस को बनाने के लिए फ्रेंड 2 कलर की नेट का यूज़ किया है, रेड एंड येल्लो। तो ऊपर बेस हम बनाएंगे रेड कलर का, और फ्रिल बनाएंगे हम येल्लो कलर की। तो ये मैं शॉर्ट में ड्रेस बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच ली है, यानी कि इतनी 4.25 इंच लिया। और इसकी लेंथ जो है मैंने अपने कपड़े के अर्ज की, जो 1 मीटर कपड़ा होता है उससे अर्ज की काट ली है। तो ये ऑलमोस्ट 42 to 43 इंच जो है इसकी हमने लेंथ, मैंने जितनी लेंथ थी वो सारी ले ली है, क्योंकि नेट का कपड़ा है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ले ली है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रिल बनाने के लिए मैंने अपने येल्लो नेट कट करी है। तो ये जो मैंने लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऑलमोस्ट 3 इंच लिए फ्रेंड्स ये मैंने, तो 3 इंच ये ऐसे डबल होगी, तो ये हो जाएगी 1.5 इंच। ऐसे ये जो हमने यहाँ पे 4.25 इंच लिया है, तो ये भी हमें फोल्ड करके ही लगानी है ऐसे। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो इसकी जो लंबाई है वो हमारी आएगी इतनी, ये देखिए तैयार जो है वो 2 इंच आएगी, क्योंकि 4.25 इंच लिए कुछ स्टिचिंग में भी जाएगा, तो 2 इंच इसकी ऐसे आएगी। इसको भी हमें डबल यूज़ करना है, और इसको भी हमें डबल यूज़ करना है। और ये मैंने ली है इसकी 2 पट्टियाँ, क्योंकि हमें थोड़ी फ्रिल बनानी है, तो मैंने ये 42 इंच की 2 पट्टियाँ ये येल्लो कलर की अपनी कट कर ली हैं
तीन तीन इंच की चौड़ाई में। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स इसमें, और हमने ली है ये येलो कलर की, ये देखिए मलाई डोरी। तो इस मलाई डोरी को हमें इसके अंदर लगाकर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मलाई डोरी जो है इसको हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और इस डोरी को जो है मिडल में रखकर इस तरीके से, ऐसे हमें इसको मिडल में रखकर जब आप स्टिचिंग करोगे तो इजीली हो जाएगी ये। ऐसे आप इसको मिडल में रख लेना और यहाँ से इक्वल पकड़ के, और इसके यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगा दीजिएगा इधर। चाहे तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, या इसके साइड में जैसे भी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों पट्टियों को जोड़कर और हम मिडल में जो है ये इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे इसमें मिडल में। तो चलिए करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इसमें लगा ली है ये डोरी, ये देखिए मलाई डोरी जो है वो हमने लगा ली है। और आप चाहें तो आप इसमें ऊपर भी जो है वो सिलाई लगा सकते हैं इधर भी। और अब ये देखिए हम लेंगे अपनी ये रेड की कलर वाली नेट, और इसको आपको ऐसे डबल कर लेना है इस तरीके से। और आप चाहें तो यहाँ पर भी पहले सिलाई लगा लीजिए इसके कॉर्नर पे, ताकि नेट इधर उधर ना हो, या फिर प्रेस लगा लीजिए इसके ऊपर। और आप इसको वन साइड, इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये जो हमने फ्रिल बनाई है ना फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना है, एक इस तरीके से यहाँ पर रख कर और ऐसे प्लेट्स डाल लेनी है। थोड़ी दूर दूर हमें ये प्लेट्स डालनी है इस तरीके से। हम ये प्लेट्स डालते हुए जितनी ये हमारे कपड़े की रेड नेट की लेंथ है वहाँ तक हम डाल लेंगे, और अगर हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा बचती है तो हम उसको कट कर देंगे बाद में। तो ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम रख कर और ऐसे प्लेट्स डाल लेंगे। थोड़ी सी दूर दूर हमें डालनी है ये प्लेट्स, ज़्यादा पास पास नहीं डालनी है, ऐसे करके दूर दूर हमें प्लेट्स डालते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे में जो है ये प्लेट्स बनाकर लगा दी हैं। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो मैंने ये ली है, ये देखिए सिप्पी वाली लेस। तो इसको हम इधर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसे इसके ऊपर यहाँ रख कर, और ताकि हमारी सिलाई भी छुप जाए, ऐसे हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे इसको पूरी के ऊपर। और स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हम प्लेट्स बनाते हैं घेरा बनाने के लिए, हमें इस तरीके से ये रेडी के ऊपर ऐसे प्लेट्स बनाकर और हमें ये रेडी कर लेना है अपने कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग। ये हम ऐसे पास पास प्लेट्स डालते हुए और ऐसे पूरी चुन्नटें बना लेंगे पूरे घेरे की, तो हमारा घेरा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ये प्लेट्स डाल ली हैं अपनी, ये देखिए। और प्लेट्स डालने के बाद इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये देखिए। अब जो हम इसको सेट कर देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी ये। इसकी प्लेट्स ऐसे सेट कीजिए तो यहाँ से बिल्कुल फ्रिल आएंगी इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही प्रिटी लगेगी। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे नेफा। तो इसके लिए देखिए मैंने अपनी ये 2 इंच की पट्टी कट कर ली है रेड नेट की, और इसको हमको क्या करना है, ऐसे डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद हम ड्रेस को करेंगे उल्टा, और इसको हम यहाँ पर ऐसे रखकर सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिल देंगे। और उसके बाद इसको ऐसे पलट के और यहाँ पर सिल देंगे। तो यहाँ पे सिलने से पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये डोरी लेनी है और इस डोरी को यहाँ पर अंदर डाल लेना है, उसके बाद सिलना है। और ये ध्यान रखिएगा कि डोरी जो है वो हमारी सिल ना पाए, डोरी को हमें नहीं सिलना है, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा नेफा। तो चलिए पहले नेफा बना लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नेफा लगा लिया है और यहाँ पर ये डोरी डाल दी है। और ये डोरी से फ्रेंड्स, ये देखिए क्या होता है कि कमर जो है वो हमारी एडजस्टेबल होती है, तो उससे क्या, जब आप इसको बांधेंगे तो ये देखिए ऐसे स्ट्रेच होके, अगर कमर बड़ी है तो भी आप इसको अच्छे से टक कर दीजिए तो ये खिंच के छोटी हो जाएगी। और आपको कमर छोटी लगती है तो ये ऐसे ये पूरी कर दो तो ये बड़ी भी हो जाएगी, तो बहुत ही कम्फर्टेबल होती है ये। और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। और अब हम बनाएंगे इसकी चोली। तो चोली बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये
ऐसे ये रेडी कर ली हैं अपनी दो पट्टियाँ। तो बहुत ईजी है फ्रेंड, जैसे हमने बेस बनाया था पहले मैंने ये रेड नेट की 1.5 इंच की पट्टी कट करके और इसको ये देखिए ऐसे फोल्ड करके ये मैंने ऐसे स्टिच कर ली। और फिर जैसे हमने ये वाली फ्रिल बनाई थी सेम उसी तरीके से ये भी मैंने 1.5 इंच की कट करी और यहाँ पर ये मलाई डोरी लगाकर और इसके ऊपर जैसे ये सेम ड्रेस में स्टिच की थी वैसे ही मैंने फ्रिल करके और इसके ऊपर भी जो है स्टिच करके और यहाँ पर ये लेस लगा दी। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारी दो पट्टी हमने रेडी कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे और हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे इसको रख कर और यहाँ तक थोड़ा 2 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर इसको ड्रेस को लेना है और इसको पूरा ओपन कर लेना है ऐसे घेरे को और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से मिडल में निशान लगा लेना और इसको हम दोनों को जो पहले हमें जोड़ लेना है और फिर इसको मिडल में ले जाकर हम ऐसे यहाँ पर रखकर स्टिच कर देंगे। तो ये ऐसे हमारी चोली बन जाएगी। तो चलिए पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस जो है बनकर रेडी हो गई है। देखिए चोली मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है पीछे और ये देखिए। तो आपको इसको कैसे बनानी है ठाकुर जी की, ये दोनों शोल्डर्स पे लेके जाएंगे और बैक ले जाकर हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे चोली को और फिर इस डोरी को यहाँ कमर के हाथ के नीचे से निकाल कर लेकर आएंगे हम और पीछे हम इसको टक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसकी लुक आ जाएगी और बहुत ही प्रिटी लगेगी फ्रेंड्स पहनने के बाद। आप कैप्शन में देख सकते हैं, मैंने कैप्शन में जो है कान्हा जी की पहन के फ़ोटो इसकी लगाई है और बनाने में बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लगा है और बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।